ग्रंथ लोकार्पण के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के यशस्वी और लोकप्रिय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी। आज जिनके पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, ऐसे प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत जी, बलराम पानी जी, सत्यपाल जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों, विश्वविद्यालय के विभिन्न दायित्वों को निभा रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र के नेतृत्व दे रहे हैं सज्जन बंधु एवं भगिनी, मेरे युवा साथी प्राध्यापक और छात्र छात्राएं यहाँ जो हैं, सभी को पुनः एक बार वंदन। संस्कृत कवि सामान्यतः अलंकार में ही बोलते हैं, अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार के अधिक मार्क्स मिलते हैं। मैं भी थोड़ा समय संस्कृत का विद्यार्थी रहा, तो इसलिए उन्होंने जो जो कहा है वो सब मेरे बारे में ठीक है, स्नेह से प्रेम से आप कह रहे हैं। कभी कभी कवि बहुत अधिक ही कह देता। हमारे एक मैं कन्नड़ विद्यार्थी भी था, तो जयमिनी भारत करके कन्नड़ में एक है, तो जयमिनी करके एक कवि उसने लिखा था। उन्होंने समुद्र का वर्णन किया, इतने इतने ऐसे ऐसे वर्णन किया उसमें। हमारे प्राध्यापक कहते थे ये जो है ना, ये कभी जिंदगी में समुद्र देखा नहीं है, क्योंकि ये जहाँ था यहाँ से लगभग 800,000 किलोमीटर दूर तक समुद्र नहीं था, और वहाँ से ये है। उन दिनों में कभी गया भी नहीं था ये तो, लेकिन समुद्र का वर्णन इसने ऐसे किया है, इधर उधर से लेकर कर दिया है, तो इसलिए तो आप इस पर मत जाइए, ऐसे वो कह रहे थे। परंतु हमारे यहाँ क्या है, अतिथि को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताना तो रहता ही है, इसलिए मैं आपके स्नेह का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में कई वर्षों के अंतराल के बाद आज आने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं सामान्यतः विश्वविद्यालय के निमंत्रण में किसी कार्यक्रम में नहीं जाता हूँ। आज भी प्रोफेसर राजपूत जी के पुस्तक के लोकार्पण के मैंने स्वीकार किया था, तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम रख दिया। मैं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर नहीं जाता हूँ, और इसलिए मैं एक बनाए हैं, थोड़ा डर भी है। तो विश्वविद्यालय में कई वर्ष पहले उन दिनों में ऐसे ऐसे लोगों को कुलपति बनाते थे, बीच के कालखंड ऐसे था अपने देश में, तो एक जोक चलता था, तो किसी शहर में कोई उठे तो विश्वविद्यालय जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए साइकिल रिक्शा के पास, नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, क्यों नहीं, हमको वहाँ कुलपति बना देंगे तो मुश्किल हो जाएगा ऐसे। तो आज प्रोफेसर राजपूत जी के पुस्तक के लोकार्पण हैं। आज देश के मूर्धन्य शिक्षाविदों में राजपूत जी के नाम एकदम अग्रणी पंक्ति में हैं, ऐसे कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लगभग 30 वर्षों तक का शिक्षा क्षेत्र के साथ मेरा संबंध रहा है। मैं इस विश्वविद्यालय के परिसर में भी 25 बार आया हूँ पहले,
और देश के कई विश्वविद्यालयों में भी गया हूँ। 1986 के जब शिक्षा नीति देश के अंदर जारी हुए उसके संदर्भ में शिक्षा नीति, उसके बाद में एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन करके एक दस्तावेज तैयार हुआ, तो सारे के चर्चा में शास्त्री भवन में तो प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी, मैं, ऐसे कुछ लोग, हम उस समय के शिक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों से, अन्य अन्य छात्र प्राध्यापक शिक्षा क्षेत्र के संगठनों के प्रतिनिधि कई बार मिलते थे। मैं देखता था कई विश्वविद्यालय के और अन्य अन्य शिक्षा के सेमिनार में भी जाने का अवसर मुझे मिला। धीरे धीरे देश के अंदर एक मौलिक विषय को पकड़कर शिक्षा क्षेत्र के दिशा और दशा के बारे में सोच सकते हैं, बता सकते हैं, और वर्तमान संदर्भ में देश और दुनिया में क्या चल रहा है इसके ध्यान में रखकर शिक्षा क्षेत्र के बारे में कहने के आधिकारिक पुरुष कोई हिंदुस्तान में आ जाए तो उनमें से जयेश राजपूत जी हैं। ये मैं अति छोटी से नहीं कह रहा हूँ, मैं स्वयं के अनुभव से कह रहा हूँ। उनके परिचय में भी कहा, उनके दीर्घ का अनुभव है, NCERT समेत, NCTE के समेत बहुत सारे शिक्षा संस्थान के नेतृत्व आपने किए हैं, शिक्षा के नीति, शिक्षा के प्रशासन व्यवस्था, शिक्षा में मूल्य क्या होने चाहिए, इन सारे विषयों के बारे में आग्रह पूर्वक रखने वाले शिक्षाविद राजपूत जी हैं। राष्ट्रीयता के विचार से आप ओतप्रोत भी हैं, जैसे उन्होंने ही इस पुस्तक में गांधी के सपनों का भारत ऐसे एक जो अध्याय है, उस अध्याय में आपने उसके बारे में लिखा भी है। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, प्रयाग विश्वविद्यालय के परिसरों में आप और आपके पीढ़ी के लोग जब विद्यार्थी के नाते पढ़ रहे थे, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलन में तपे हुए सेनानियों के साथ अपने तरुणाई बीतने का एक स्वर्णिम अवसर उनको प्राप्त हुआ। इसलिए उन लोगों के जीवन मूल्यों से न केवल प्रभावित हुए, उसको जीवन में लाने के लिए प्रयास करने वाले एक व्यक्ति आप स्वयं बने। इसलिए वो जिन बातों के बारे में जब यहाँ कहते थे, आप उसका अनुभव किए होंगे, क्योंकि उनके साथ बैठकर वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो विश्वविद्यालय के परिसर में उन दिनों में आते रहे, उनके जानने, उनके सुनने और समझने, ऐसे बहुत सारे प्रक्रिया में आप स्वयं रहे हैं। और भारतीय संस्कृति के आलोक में शिक्षा, ऐसे एक ग्रंथ लिखने का ज्ञान, अनुभव और अधिकार राजपूत जी को है, ऐसे मैं मानता हूँ। इसलिए इस पुस्तक को अपने राष्ट्र के सामने लाने के लिए मैं आप सबकी ओर से प्रोफेसर राजपूत जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और आगामी वर्षों में दीर्घकाल के उनके दीर्घकाल वो रहें, उनके लिए आयु आरोग्य भाग्य, उनके लिए भगवान कृपा करें उनके ऊपर, और ऐसे मार्गदर्शक ग्रंथ और कार्य वो करते रहें, ताकि हम पूरे समाज उनसे लाभान्वित हो, ऐसे मैं उनकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। शिक्षा के संदर्भ में दो प्रोफेसर लोग यहाँ बोल चुके हैं, मैं तो जीवन में विद्यार्थी रहा, कभी मैं लेक्चरर, अध्यापक वगैरह नहीं बना, आप तो बने थे, आप सभी ऐसे ही हैं। तो इसलिए शिक्षा के संदर्भ में कहने का अधिकार तो मुझे नहीं है। शिक्षा के बारे में यदि देखते तो अपने देश में बार बार ये कहा जाता है कि भारत की शिक्षा की परंपरा जो है ये बहुत प्राचीन है, कब से शुरू हुआ पता नहीं है। हमारे प्रोफेसर कहते थे 5000 वर्ष पहले भी भारत में शिक्षा और परीक्षाएं कैसे होती थी इसके रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं,
और विश्व भर के लोग भारत के एक शिक्षक आजकल के वास्ते कहना है तो एजुकेशनल डेस्टिनेशन ये भारत रहा है। इतने विश्वविद्यालयों में हजारों की तादाद में विश्व भर के विद्यार्थी यहाँ आए, कई लोग यहाँ शिक्षक प्राध्यापक बनकर आए और यहाँ से अपने देश में लौटकर जिस शिक्षा के कारण लौकिक और अनमार्थिक जीवन मूल्य और जीवन चलाने की आजीविका के दृष्टि से सीखने वाली बातें, इन सारे बातों को यहाँ से सीख के गए, इसलिए यहाँ हम कह सकें ये तद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मना संसम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्या सर्व मानवा, ये कहने के एक सामर्थ्य एक आत्मविश्वास इस देश के लोगों को इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि ऐसे करने का प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ के समाज को, यहाँ के विश्वविद्यालयों को, यहाँ के शिक्षाविदों को प्राप्त था। स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान भी एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन चल ही रहा था लेकिन शिक्षा के बारे में भारत में उस समय भी बहुत आग्रहपूर्वक इस आयाम को, जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में कितने लोगों ने ध्यान दिया। लोकमान्य तिलक जी के साथ कार्य कर रहे थे अगरकर पुणे में विश्वविद्यालयों के बारे में सोचे, सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षा के बारे में सोचे, DAV शुरू हुए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय महामना मालवीय जी ने प्रारंभ किए, रामकृष्ण ने स्कूल शुरू किए, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन प्रारंभ किए, दक्षिण भारत में देशीय विद्याशाला वगैरह प्रारंभ हुए, मैसूर यूनिवर्सिटी के विवेकानंद जी कहने के कारण इंडियन ऑफ साइंस के प्रारंभ हुआ बेंगलोर में, जिसके लिए महाराजा ने स्वयं सब प्रकार की सहायता की। देश के विभिन्न भागों में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शिक्षा के बारे में बहुत, यानी भारत की शिक्षा होनी चाहिए, एक तरफ अंग्रेजी शिक्षा पश्चिम की शिक्षा, इसमें अध्ययन किए हुए लोगों ने इन सारे बातों को ध्यान में रखकर एक, जैसे महर्षि अरविंदो ने कहा है, भारत में अंग्रेजों के राज के कारण जो हमें संकट झेलना पड़ा, स्वातंत्र हम खोए, गुलाम हो गए, वो एक कहानी है ही, हम सब जानते हैं। एक दूसरे भी हुआ, कई लोगों ने कहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी शिक्षा के बारे में, उन्होंने जो एजुकेशनल चेंज के बारे में उनके भाषण है, उनके एजुकेशनल थॉट के बारे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक ग्रंथ ही है, तो उस सारे में उन्होंने ये कहा है कि जब पश्चिम के लोगों के साथ भारत के शिक्षित लोगों के जब संपर्क आया, इन सारे चीजों से कई आयाम भी खुले, स्वातंत्र के, मानवाधिकार के, कई आधुनिक जगत के जो अवधारणाएं हैं उसको समझकर उनको उनके भाषा में ही बताने के लिए एक आत्मविश्वास और ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग इस देश के अंदर तैयार हुए और दुनिया में एक इस संपर्क से हम लोग कई नई बातों को देखे समझे भी हैं। तो इसलिए अंग्रेजों ने बहुत सारे गलतियां की हैं जिसके कारण यहाँ के शिक्षा प्रणाली को उन्होंने नष्ट किया, धर्मपाल जी ने पुस्तक में लिखे हैं, हम सब जानते ही होंगे, ब्यूटीफुल ट्री पुस्तक में उन्होंने लिखे हैं। कुल मिलाकर शिक्षा के संदर्भ में यदि कहना है तो शिक्षा की जो महत्व है, यह भारत की भूमि हजारों हजारों वर्षों से हम जानते ही थे और इसलिए एक शिक्षा के क्षेत्र के बहुत सारे आयामों को विकसित करने के एक योग्य प्रणाली व्यवस्थाएं यहाँ प्रारंभ होकर सदियों तक का उसके संचालन समाज ने किया। राजाश्रय मिला लेकिन समाज ने, मठ मंदिरों ने, समाज के लोगों ने, सामान्य लोगों ने शिक्षा के लिए कुछ अपने कमाई के हिस्से देने के लिए सामने आए। समाज से शिक्षा की व्यवस्था को धारण करने के, संभालने के, उसके भरण पोषण करने के एक उत्तम व्यवस्था हमारे देश में रही है जो ब्यूटीफुल ट्री में धर्मपाल जी ने विस्तार से चर्चा की है। शिक्षा के महत्व केवल अपने देश में के ही लोग जानते थे ऐसे नहीं है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, अमेरिका के
थॉमस जेफरसन, हम सब नाम सुने हैं, थॉमस जेफरसन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। लेकिन थॉमस जेफरसन जीवन के कई क्षेत्रों में एक था। उन्होंने वर्जीनिया कॉलेज प्रारंभ किया, बाद में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, ऐसे वो हो गए। थॉमस जेफरसन राष्ट्रपति काम से भी निवृत्त होने के बाद किसी ने उनसे पूछा, मिस्टर जेफरसन, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर योर डेथ, आपके मृत्यु के बाद आपको लोग कैसे याद रखें। जेफरसन ने कहा कि एज द फाउंडर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। इतना ही नहीं, थॉमस जेफरसन ने अपने समाधि पर क्या लिखना चाहिए वो लिख के दिया, वही है आज भी, मैंने देख के आया हूं। तो वहां एक थे, हियर लाइज थॉमस जेफरसन, ऑथर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ऑथर ऑफ द स्टैच्यूट ऑफ वर्जीनिया फॉर रिलीजियस फ्रीडम एंड फादर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। थॉमस जेफरसन गवर्नर ऑफ वर्जीनिया स्टेट थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, लेकिन उनके समाधि पर इसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि थॉमस जेफरसन ने अपने मृत्यु के पहले का यही लिखना चाहिए, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। यानी शिक्षा के संदर्भ में अभी कुलपतियों के बारे में और शिक्षा क्षेत्र के बारे में कैसे एक गौरव के और सम्मान के आचरण होता था, इसके बारे में राजपूत जी इस हाल में आने के पहले भी बात कर रहे थे, तो यहाँ भी उन्होंने उसको उल्लेख किया। देश स्वतंत्र होने के बाद कई आयोग हुए, हम सब जानते हैं, अभी नई शिक्षा नीति की चर्चा खूब हो रही है सर्वदूर। शिक्षा नीति, देखिए कोई भी शिक्षा नीति इतने पहले जो आए हैं वो सब खराब थे, ऐसे कोई नहीं कह सकता। दौलत सिंह कोठारी जी ने जो 1964-66 में बनाया, बाद में उसी के आधार पर जो 1968 की नीति बनी, क्या कोठारी साहब ने जो शिक्षा के बारे में उनकी संस्तुतियाँ थी उसके बारे में कोई किंतु परंतु कह सकते हैं? कितने बातें उन्होंने उसमें बताई हैं, उसको रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे तो आज भी ध्यान में आता है। एक विजन, राधाकृष्णन आयोग ने जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में जो बताए हैं उसमें कितने बातें हैं। तो इसलिए शिक्षा नीति के बारे में बहुत उच्च शिक्षा विभूषित अनुभवी लोगों ने जो बनाया, वो सारे होने के बाद भी उसके समस्या यह हुई कि क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई। लागू करने में प्रॉब्लम हुआ तो आप नीति कितने भी अच्छा बनाएंगे, अद्भुत भाषा में लिखिए, कई कल्पनाएं अवधारणाएं उसके अंदर आप रखिए, अल्टीमेटली द टेस्ट ऑफ ए बेस्ट पॉलिसी इज इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। चैलेंज ऑफ एजुकेशन करके जो डॉक्यूमेंट 1986 के पॉलिसी के पहले उस समय के शिक्षा मंत्रालय ने जारी की थी, उसमें उन्होंने एडमिट किया, हाँ शिक्षा नीति 1968 के लागू नहीं कर पाए, कारण क्या है, 1, 2, 3 लिखा उन्होंने, इन कारणों से हम नहीं कर पाए। क्यों? हम जवाबदेही किसी को किए नहीं, शिक्षा नीति के क्रियान्वयन करने की जवाबदेही, हु इज एंसरेबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल, यह उसमें हमने पक्का नहीं किए थे, हमने उसके लिए आवश्यक संसाधनों के उपलब्ध नहीं कराया। ऐसे चैलेंज ऑफ एजुकेशन रिकॉर्ड में कि यहां उपस्थित बहुत सारे हमारे उस समय के शिक्षा नीति से और उस प्रक्रिया से संबंधित जिन लोगों को रहा है उनको याद होगा, चैलेंज ऑफ एजुकेशन वॉज ए डॉक्यूमेंट विच एडमिटेड वॉट वर द फ्लॉज इन इंप्लीमेंटिंग द अर्लियर पॉलिसीज विच वर ऑल्सो गुड पॉलिसीज।
हर समय में नए नए संदर्भ में हमें शिक्षा नीति देश दुनिया में हो रहे सामाजिक आर्थिक विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के कारण नई जमाने के नई पीढ़ी के लोगों के सामने शिक्षा प्रणाली के अंदर कौन सी बातें रखनी चाहिए, किस स्तर पर कौन सी चाहिए, एक नीति की आवश्यकता हमें थी। लेकिन शिक्षा के आधारभूत मूल्य जो है वो परिवर्तन नहीं होते, नीतियां परिवर्तन होती है। नीति बनती है आप यदि शिक्षा के विजन, वो विजन जो है वो जीवन मूल्यों से संस्कृति से किसी देश के उस देश के एक सांस्कृतिक परंपरा से वहां के इतिहास के बोध से वहां के जीवन के बारे में जो लक्ष्य है उससे वहां के जो वर्ल्ड व्यू है विश्व दृष्टि है उससे नीति बनती है। इन सारे चीजों में भारत की एक विशेषता है, इसलिए भारतीय संस्कृति के आलोक में जब शिक्षा कहते हैं, शिक्षा तो एजुकेशन तो सबके लिए है, करना क्या है, जैसे अभी पता इंजीनियर डॉक्टर बनना है, फिजिक्स बनना है, MBA पढ़ने हैं, IIT में जाना है, वो ऑस्ट्रेलिया में करो, दिल्ली में करो, लॉस एंजल्स में करो, जर्मनी करो, फ्रैंकफर्ट में करो, अफ्रीका में करो, फर्क क्या पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शिक्षा केवल वो नहीं है। इसलिए ये भारतीय संस्कृति के आलोक में शिक्षा जब कहते हैं, ये जो विश्व दृष्टि है, वर्ल्ड व्यू है, जो जीवन के सांस्कृतिक परंपरा है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन के लर्निंग टू बी जो रिपोर्ट आया उसमें यही कहा, एजुकेशन इज द सुप्रीम एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनल कॉन्शियसनेस एंड नो नेशन इज आइडेंटिकल विद अदर, दैट इज वाई एवरी नेशन विल हैव टू एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू इट्स एजुकेशन। इसलिए शिक्षा ऐसे एक राष्ट्रीय कॉन्शियसनेस के, एक चेतना के, राष्ट्र की चेतना के अद्भुत अभिव्यक्ति है। इसलिए राष्ट्र की चेतना क्या है, तो इसलिए शिक्षा नीति के निर्धारण करने वाले लोग उस संस्कृति के आलोक में, उस राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में, विश्व दृष्टि के चौकट में शिक्षा नीति को समय समय पर वर्तमान युग के जो तकाजे हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखकर करना पड़ता है। इसीलिए नो शिक्षा नीति, नो एजुकेशन पॉलिसी इज ए परमानेंट पॉलिसी, हर 10 साल 15 साल में आपको नीति, नई नई नीति लानी ही पड़ेगी क्योंकि परिस्थिति बदलती है। लेकिन शाश्वत क्या है, नित्य क्या है, और जो नश्वर है, परिवर्तनीय है, वो क्या है, इसको समझना पड़ता है। इस दृष्टि से प्रोफेसर राजपूत जी ने जो पुस्तक अपने सामने लाए हैं वह बहुत महत्वपूर्ण इस कारण से, क्योंकि उन्होंने जो इसमें जो लगभग पूर्व कथन मिलाकर 43 अध्यायों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे विषयों को इसमें सम्मिलित किया है। उसमें संस्कृति के आलोक में इन आयामों के संदर्भ में, तो इसलिए शिक्षा नीति के जो समस्या, एक है नीति निर्धारण करते समय क्या आज बैकग्राउंड रखकर करते हैं, तो इसलिए NEP 2020 जिसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो जारी हुई है, इसके एक विशेष आग्रह इस दृष्टि से है। शिक्षा के नीति के उसमें समाज को एक दिशा दें, व्यक्ति को जीवन की सार्थकता किस में है, एक है आजीविका के लिए जीना, वो एक है। शिक्षा व्यक्ति को अपने रोजी रोटी कमाने के लिए आवश्यक उनको एक आत्मविश्वास, किसी एक कला, किसी एक कौशल वो सिखानी चाहिए, ठीक है, वो स्वभाव प्रकृति के आवश्यकता के, समाज की आवश्यकता के हिसाब से वो तय होने चाहिए। समाज केवल इंजीनियर को, केवल IT लोगों को, केवल डॉक्टरों को, केवल MBA को बनाने से बात नहीं बनती। इसलिए समाज की आवश्यकता को देखकर भी शिक्षा में
किस प्रकार के लोगों को तैयार करना है ये भी सोचना चाहिए, लेकिन रुचि स्वभाव प्रकृति प्रतिभा के आधार पर भी करना पड़ता है। तो इसको संतुलित बिठाकर करना है। उसके साथ साथ और एक है कि जीवन के मूल्यों को सिखाने पड़ेगी, जिनके बारे में पहले बोले हुए दोनों प्राध्यापकों ने अधिक आग्रह उसमें आपने रखा ही है। तो जीवन मूल्य सिखाना यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह कैसे सिखाएं? एक है पाठ्य पुस्तकों में आने वाले विषयों के कारण, उसमें कई बार कहते हैं द वैल्यूज ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह वगैरह होनी चाहिए, तो नैतिक मूल्यों के संदर्भ में स्वयं राजपूत जी ने जब एनसीईआरटी के निदेशक के नाते 5 वर्ष रहे 99 से 2004 तक, उस समय आपने एक आग्रहपूर्वक एक प्रयास किया अपने देश के टेक्स्ट बुक में जीवन के नैतिक मूल्यों को लाने के लिए, एसपी चौहान कमेटी ने जो बनाए थे उसको लाने के लिए बवाल खड़ा हो गया। यहां तक हो गया कि राजपूत जी इस कार्य विषय के खलनायक है, यहां तक कुछ लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार के जीवन में सभी मत संप्रदाय धर्मों से सेलेक्ट किए हुए नैतिक मूल्यों को जीवन के आदर्शों को पाठ्य पुस्तकों में जोड़ने के लिए जो सिफारिश हुई थी संस्तुतियां हुई थी उसको लागू करने के लिए कमेटी बनाकर करके उसको करने पर भी कुछ राजनीतिक कारण से बाकी कारण से ऐसे देश भर में वातावरण खड़ा कर दिया जैसे कि राजपूत जी सारे शिक्षा को विध्वंस कर रहे हैं। ऐसे यहाँ तक कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले पुरस्कार से भी वंचित करने के लिए साजिश हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय के बारे में रिकॉग्निशन मिलने पर भी क्यों साजिश की? ऐसे करने वाले लोग कौन थे? अभी जैसे हमारे कुलपति महोदय ने कहा ना, पढ़े लिखे लोग ही गड़बड़ करते हैं। ऐसे ये सारे करने वाले लोग यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट्स ही थे जिन्होंने किया। तो इसलिए अंततोगत्व टेक्स्ट बुक नॉलेज एक है, लेकिन आपने कैसे कहा विवेक की बात आई है। इंफॉर्मेशन इज वन थिंग, लिटरेसी इज अनदर थिंग। साक्षरता से और जानकारी इकट्ठा करने से गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए, शिक्षा शिक्षा से आगे बढ़नी चाहिए, विजडम विवेक, वो विवेक जीवन के अनुभव से अवलोकन से और सामने के आदर्श से। सामने एक आदर्श होता है शिक्षक, जिसके बारे में बताया, वे शिक्षक कहने केवल प्राइमरी स्कूल के टीचर तो आदर्श होता ही है हर बच्चे के लिए, मैं ये केवल नहीं कहता साहब, यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक भी विद्यार्थियों के लिए आदर्श हो सकता है, होता है। हमने ऐसे प्राध्यापकों को जीवन में देखा है जिनसे हम सीखे हैं, और प्राध्यापक जीवन से वो निवृत्त हो गए, हम जीवन में अपने रास्ते पर चले, 30-40 वर्षों के बाद भी ऐसे प्राध्यापकों से जाकर मिलने के मन के अंदर के श्रद्धा और सम्मान कभी कम नहीं हुआ। और ऐसे प्राध्यापक जिनके घर हम गए तो हमको छोड़ने के लिए गेट तक आए, आने की जरूरत नहीं थी, जिनके चरण हम स्पर्श करते हैं, लेकिन जीवन के मूल्यों को उन्होंने जिया। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति रहे, लेकिन उससे पहले वो प्राध्यापक थे, कुलपति थे, हम सब जानते हैं। मैसूर में वो प्राध्यापक थे विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो प्राध्यापक कुलपति वगैरह बने, आंध्र विश्वविद्यालय बने। मैसूर से जब वो वहां से मैसूर छोड़कर जा रहे थे, सब हो गया विश्वविद्यालय में जो भी विदाई कार्यक्रम वगैरह वगैरह हो गया, एक प्राध्यापक थे फिलोसफी के, और जाने के पहले तो सब हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह 6 बजे उनको गाड़ी पकड़नी थी
मैसूर से बेंगलुरु जाकर मद्रास जाकर जाना था उनको, तो रेलगाड़ी के लिए उन्होंने उन दिनों में घोड़े के जो टांगे होते हैं, टांगा कहते हैं यहाँ, कहते हैं टांगा, तो टांगा उन्होंने बता कर रखे थे, सामान वामान रखकर स्टेशन जाना था। तो तैयारी हो गई, सुबह 4-6 विद्यार्थी आए, तो नमस्कार नमस्कार कहा, उनको लगा नमस्कार कहने ठीक है, तो विद्यार्थियों ने घोड़े को हटा दिया टांगे से, सर को बिठाए और यूनिवर्सिटी तक खींच के लेके गए। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति नहीं बने थे, किसी को मालूम भी नहीं था वो राष्ट्रपति बनेंगे, वो कॉलेज के प्राध्यापक थे, उनके विद्यार्थी उनको स्टेशन तक घोड़े के टांगे की जगह घोड़े को हटाकर स्वयं खींच के गए। ऐसे क्यों किया? तो राधाकृष्णन जी केवल उनको फिलॉसफी के कैसे 60-70 मार्क्स लेने चाहिए ये नहीं सिखाए थे, एग्जाम में कुछ अंक पाना, उन्होंने जीवन सिखाया था, जीवन के मूल्य क्या होते हैं उसको अपने जीवन में जीकर उन्होंने दर्शाया था। इसलिए द ट्रू चेंज जो आता है एजुकेशन के, ट्रू एजेंट ऑफ एजुकेशनल चेंज, वो शिक्षक है, प्राध्यापक है। इसलिए अपने देश में उनके बारे में आज क्या हो गया है, अब शिक्षा शिक्षित प्राध्यापक ये हैं समाज में, ठीक है उनको भी जीवन निर्वाण करने के लिए वेतन मिलने चाहिए, ठीक से मिलने चाहिए, उनको भी घर गृहस्थी चलानी चाहिए, इसके लिए होना बिल्कुल ठीक है, यही तो समस्या हो गई। अब समाज में लोकतंत्र की एक व्यवस्था अच्छी है, लोकतंत्र की व्यवस्था तो भारत के मूल स्वभाव में है, और हमने एक आधुनिक लोकतंत्रीय व्यवस्था बनाई है, इसलिए गांव गली कूचे मोहल्ले हर जगह पर नेतागण तैयार हो गए हैं, किसी शिक्षा और जीवन मूल्यों के आदर्श रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अधिकार है, इसलिए वो अपने अधिकार से रास्ते में जो ट्रैफिक सिग्नल है उसको उनको परवाह नहीं करना पड़ता, और जो टोल हैं मैं कौन हूँ जानते नहीं हो, ऐसे कहने की हिम्मत आती है। लोकतंत्र ने ऐसे नेताओं को तैयार कर दिया है, कानून नियम को मुझे पालन नहीं करना है, जीवन में नैतिकता से संपत्ति कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरों को कुचलकर मैं मेरी नेतागिरी कर सकता हूं। ये जो समाज में हुआ है इस कारण से शिक्षा से विभूषित जो जीवन मूल्यों से अपने जीवन को प्रतिष्ठा लाने के लिए जीवन भर ही साधना करेंगे ऐसे लोग किनारे हो जाते हैं। कितने कमाए हैं ये महत्व के हो गए, प्रतिष्ठा उससे। तो इसे भारतीय संस्कृति के आलोक में हम शिक्षा कहते हैं, भारतीय संस्कृति इन चीजों के बारे में कहे नहीं ना, तो इसलिए हम एक स्प्लिट पर्सनालिटीज होते जा रहे हैं। हम किसकी पूजा करते हैं? अभी परसों गुरु पूर्णिमा हुई, सब जिसने त्याग किया, जीवन के किसी भी आकांक्षा नहीं है, आकर्षण नहीं है, ऐसे लोगों को जाकर वो गुरु है ऐसे हम मानते हैं, घर में ऐसे लोगों के चित्र रखते हैं, वो धनपति है, राज अधिकार से बड़े हैं, ऐसे नहीं सकते हम। एक गांधी जी के, एक विवेकानंद के, कोई ऐसे लोगों को क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्होंने त्याग किया, इसलिए उन्होंने संपत्ति कमाई, इसलिए नहीं किया। लेकिन हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, ऐसे मत बनो तुम संपत्ति कमाओ, ये स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। इसमें भारतीय संस्कृति के आलोक में हम शिक्षा को कैसे केवल पाठ्य पुस्तकों में नीतियों में नहीं आचरण में व्यवहार में हम लाएंगे, यह आवश्यकता है। शिक्षा के त्रयी के बारे में एक अध्याय इसमें है, माननीय राजपूत जी ने
इल्यूमिनेशन, हीरोइज्म एंड हार्मनी, ये तीन के बारे में शिक्षा त्रयी, शिक्षा के तीन आधार के रूप में उन्होंने कहा है। बिल्कुल ठीक है उसमें, लेकिन मैं कई बार शिक्षा के तीन आधार, एक शिक्षा है वहाँ विद्यार्थी जो नागरिक के नाते होता है, व्यक्ति को व्यक्तित्व देने का कार्य शिक्षक करता है, वो व्यक्ति है, उसके अंदर व्यक्तित्व कैसे विकसित हो उसके लिए शिक्षा एक उपकरण है, उसके लिए एक साधन है, उसको उपयोग करते हुए शिक्षक उनके अंदर व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इसलिए शिक्षा के एक बहुत बड़ा आधार पाठ्यपुस्तक, उसके जो है सामग्री है वो एक है, शिक्षक है, और तीसरा है वातावरण। विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में शिक्षा क्षेत्र के जो वातावरण है, परिवेश है, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, हम लोगों ने एक शब्द के उस समय बताते थे, कैंपस कल्चर। कैंपस कल्चर यानी क्या है? अध्ययन, अध्यापन, शोध। वहां जिस विषय के बारे में कुलपति ने कहा, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, संस्कृति के आचरण, ऐसे एक कल्चर सुशिक्षित क्षेत्र की एक संस्कृति होती है। वह वातावरण, उस वातावरण में एक परिवार होता है। कुलपति क्यों कहते हैं? ये कुल है, एक पारिवारिक भाव है, तभी तो ये कुल है। इसलिए कैंपस कल्चर है। इसलिए एक है पाठ्य वस्तु, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है ऐसे एक वातावरण किसी भी स्तर पे, वो विद्यालय और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, किसी भी स्तर पे ऐसे होने की आवश्यकता है। इसको यदि हम ठीक रखेंगे तो आज जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा नीति मुझे लगता है क्रियान्वयन करने में हम कामयाब होंगे। एक शिक्षा के संदर्भ में गहन विस्तृत विमर्श और परामर्श होते हुए क्रियान्वयन के बारे में ध्यान देने के आवश्यकता है। उपलब्धियों के साथ साथ कमियां, दोष कहाँ हुए इसके भी विश्लेषण होते हुए करना पड़ता है। कई बार शिक्षा के संदर्भ में नई नई बातें हैं तो वो तो बात है, पुरानी बातें भी रहती है। उदाहरण के लिए अभी पर्यावरण के संदर्भ में विषय आया, 1968 के पॉलिसी में कोठारी जी ने पर्यावरण की शिक्षा के संदर्भ में बताया था और उसको पाठ्यक्रम में लाने के लिए प्रयत्न किया। बाद में कई वर्षों के पश्चात राजपूत जी की अध्यक्षता में ही एक कमेटी बनी, कैसे पर्यावरण के, है ना, आपके तो एक बनी। तो पर्यावरण के संदर्भ में शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा में पाठ्य में जोड़ना चाहिए, 1968 से कह रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हुआ, कहां समस्या है? तो इसका अर्थ नीति के प्रॉब्लम नहीं थी, दृष्टि के प्रॉब्लम नहीं थी, सोच के प्रॉब्लम नहीं थी, कमी कहां हुई उसको क्रियान्वयन करने में। संस्कृत भारत के सभी भाषाओं के जननी है, संस्कृत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यदि अपने भारत में कौन से ऐसे भंडार है, जो ट्रेजर है, जिसके बारे में तुम एक गर्व करते हो भारत की संस्कृति में, ऐसे मुझे कोई प्रश्न पूछते हैं तो मैं निस्संदेह पूर्वक कहता हूं संस्कृत भाषा। ये जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री, उनके कहना है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संस्कृत भारत की राज्यभाषा होनी चाहिए, इसलिए 140 सांसदों के सिग्नेचर करवाए थे, इतने संस्कृत के बारे में कहते हैं। लेकिन क्यों ऐसे हुआ भाई, सारे विश्वविद्यालय में, पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत बोलने और करने के लिए लोग मिलने इतने कम क्यों हो गए? हम संस्कृत को क्यों हटा दिया? अंग्रेजों ने किया समझ सकते हैं, मुगलों ने समझ किया समझ सकते हैं, हम क्यों 75 वर्षों में नहीं कर पाए? तो कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की समस्या है। नैतिक मूल्यों के बारे में कहा, स्किल के बारे में, जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्स, स्किल सिखाना, ये चीजें हैं। अब नए स्किल्स आए होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं समस्या क्रियान्वयन की है, कहीं ना कहीं समस्या उसके लिए प्रशिक्षण की है, कहीं ना कहीं समस्या उसके लिए जो इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रू एजेंट है शिक्षक,
उनके कमिटमेंट के, निष्ठा के, उनके जीवन के, इसमें कई समस्या होती है। इस दृष्टि से अपने को सोचना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। भारत के शिक्षा में जो सत्य के, प्रामाणिकता के, पारदर्शिता के, परिश्रम के संदर्भ में जो आग्रह हमेशा रहा है, उसके संदर्भ में अपने को शिक्षा नीति के क्रियान्वयन करते समय ध्यान में रखने चाहिए। सारी बातें विवेक के प्रश्न, जीवन मूल्यों के प्रश्न, ये सब आए। मनुष्य निर्माण के लिए शिक्षा है, व्यक्ति को व्यक्तित्व देने के लिए शिक्षा है, ज्ञान की परंपराओं को और मूल्य के परंपरा को अगली पीढ़ी के देने के लिए शिक्षा है। एजुकेशन शुड बिकम एक्सरसाइज बट इट हैज बिकम मैसेज, ऐसे किसी ने कहा था। एजुकेशन ना एक्सरसाइज होनी चाहिए, लेकिन वो मसाज हो गया है केवल। तो रियल एजुकेशन के बारे में हमारे यहां तो उच्च बातें बताई हैं, दक्षिण पश्चिम के लोग विचारकों ने भी कहा है। एजुकेशन इज द एक्विजिशन ऑफ द आर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज, शिक्षा को कैसे, यानी नॉलेज को, ज्ञान को कैसे उपयोग करना चाहिए, इस कला को हस्तगत करना, इस कला को हम सीखना, यही शिक्षा है। ज्ञान है, बिखरा हुआ है ज्ञान, समाज में है, केवल विद्यालय में, विश्वविद्यालय में नहीं है, ज्ञान सर्वत्र है, सृष्टि में है। लेकिन उस ज्ञान को किसी एक व्यवस्था में सीखकर एक्विजिशन ऑफ द आर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द नॉलेज, यह शिक्षा है। शिक्षा और एक अर्थ से अपने भारतीय परंपरा में हमने कहा, सा विद्या या विमुक्त, ये मनुष्य को मुक्त करना चाहिए। किन से, किन बातों से मुक्त करना चाहिए? अभी योगेश जी ने कहा कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के उल्लेख किया। शरीर को मुक्त करना चाहिए शिक्षा, किससे? आलस्य और प्रमाद से, क्योंकि शरीर के अंग आलस्य से, कभी जड़ता से काम नहीं करते या प्रमाद करते हैं। मेरे इंद्रिय भी शरीर के हिस्से हैं, प्रमाद करते हैं। हाथ जिस काम को करना है वो नहीं करते, वो चोरी करता है, तो हाथ प्रमाद कर रहा है। तो इसलिए शरीर को आलस्य और प्रमाद से मुक्त करना चाहिए, मन को चंचलता और लालसा से मुक्त करना चाहिए। मन लालच, लालसा होती है, यह चंचल होता है, इसलिए मन को लालसा और चंचलता से मुक्त करनी चाहिए। बुद्धि को अविवेक और अहंकार से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि ज्यादा होने से ये दोनों होते हैं। और आत्मा को, आत्मा को मैं शरीर मैं ही हूं ऐसे आत्मा को लगना शुरू होता है, इसलिए यह शरीर के मोह से आत्मा को मुक्त करना चाहिए। सा विद्या या विमुक्त, यह भारत की संस्कृति है। शिक्षा इस चीज को हमें सिखाती है, इसको जीवन में कैसे लाना चाहिए, उतारना चाहिए, हर आयाम में, हर जीवन के स्तर पे, जीवन के आयु के हर स्तर पे, हर चरण में। क्योंकि मनुष्य युवा अवस्था में मन और बुद्धि के काम और वृद्धावस्था में मन और बुद्धि और शरीर के काम भिन्न होते हैं। हमें शिक्षा 25 साल जो हम विद्यालय में, विश्वविद्यालय में प्राप्त करते हैं, वह इसके लिए हमको तैयार करना चाहिए। यह कहते हैं मनुष्य निर्माण, व्यक्ति निर्माण। मनुष्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छे होते हैं। 25 नवंबर को 1949 में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, आई फील हाउएवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी अ बैड लॉट। हाउएवर बैड ए कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इट मे टर्न आउट टू बी गुड इफ दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी अ गुड। संविधान अच्छा बुरा नहीं होते, संविधान को लागू करने वाले लोग कौन से होते हैं, ऐसे होता है। संविधान को लागू करने वाले लोग संविधान के स्पिरिट को समझकर राष्ट्रोन्नति के लिए कार्य करने वाले भी हो सकते हैं, संविधान के प्रावधान को दुरुपयोग करके
जयप्रकाश नारायण को जेल में भेजना भी हो सकता है। अल्टीमेटली संविधान का उपयोग कैसे करते हैं यह मनुष्य के मूल्य प्रवृत्ति पर है। इसलिए कहीं एक जगह कहा था, नॉट सिस्टम फिट एंड वाइज, नॉट फेथ विथ रिजिड आईज, नॉट वेल्थ इन माउंटेन पाइल्स, नॉट पावर विथ ग्रेशियस स्माइल्स, नॉट इवन ए पोटेंट पेन, बट वी वॉन्ट मेन मेन मेन। ऐसे मनुष्य निर्माण के शिक्षा के लिए जो प्रयत्न चल रहा है इस महाअभियान में, जेएस राजपूत जी जैसे एक वीर योद्धा इतने वर्षों से इसमें अपने अनुभव, अध्ययन, अध्यापन, इन बातों के आधार पर देश की शिक्षा को दिशा देने का एक साधना उन्होंने किए हैं। उन्होंने इस ग्रंथ को समाज के सामने लाकर हम सबके लिए बहुत बड़ा उपकार आपने किया है। शिक्षा के नीति के क्रियान्वयन पूर्ण रूप से होने में हम सबको भी अपने अपने भूमिका जो निभानी है उसकी चर्चा मैंने आज नहीं की, कभी करेंगे, लेकिन समाज की भी एक भूमिका है, सरकार की एक भूमिका है। सरकार अपनी भूमिका निभाए, समाज को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हम इससे बच नहीं सकते, बचना नहीं चाहिए। तो ऐसे एक अपने राष्ट्र के उन्नति के लिए आज विश्व के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये ChatGPT, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को कहने की जरूरत नहीं मुझे, ये सारे जो हो रहा है इसमें मनुष्य अपने को ना खो जाए। इन सब इस सारे के बाजार में हमारे संस्कृति के वो जो स्वर क्षीण ना हो जाए, इसको बैलेंस कैसे करना, उसको नकारना नहीं है, डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने अपने को जैसे चाहिए उसको उपयोग करना चाहिए। ऐसे सामर्थ्यवान नई पीढ़ी को तैयार करने के विश्वविद्यालयों के प्रांगण, इसके लिए आगे आए विश्वविद्यालय की व्यवस्था, शिक्षा की प्रणाली, ऐसे एक भारत के निर्माण करने में पूर्ण रूप से सहकारी सहयोगी बने, यही कामना करते हुए आप सबको धन्यवाद देकर वाणी को रखा।